नमस्कार दोस्तों, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई और मेरे यारों, कैसे हो आप लोग। आज आपके सामने है ये शानदार घर। इस घर की शानदार बात तो मैं आपको बताऊंगा, पहले देख लो एक छोटा सा ओवरव्यू। जी हाँ, यहाँ पे खड़े होते हैं, पीछे की तरफ भी रास्ता है। वो जो आपको रास्ता दिख रहा है वो भी जाता है कॉलोनी के अंदर, कई रास्ते हैं। तो दोस्तों घर का टूर शुरू करते हैं। देखिए ये है सबसे छोटा सा आपका बाहर का ही टॉयलेट, एक तरीके से वॉशरूम है ये। जनता की भलाई, आप घर के अंदर नहीं जाना चाहते, घर के अंदर के बाहर से ही आप अपने आप को रिलीव करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए। और ये देखिए घर का पहला दरवाज़ा जो बाहर की तरफ खुलता है, ये एक कमरे का दरवाज़ा है। अंदर से भी इस कमरे को मैं दिखाऊंगा। घर के अंदर चलने के पहले मैं देना चाहूँगा, घर के अंदर चलने के पहले थोड़ा सा ज्ञान। मामा भांजा दोस्त यार, या हो मौसी मौसा, जमीन के मामले में किसी पर ना कर भरोसा। श्री 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 108 अभिषेक जी महाराज। घर के अंदर एंटर करते हैं, राइट साइड में ये रूम आता है। घर के एंटर करने में दाएं साइड में ये रूम आता है। देखिए ये वो दरवाज़ा है तो बाहर की तरफ भी खुलता है, यानी कि घर के अंदर एंटर करने के दो तरीके हैं, मेन हॉल के थ्रू और इस कमरे के थ्रू। इस कमरे के थ्रू डायरेक्ट आप इस कमरे में ही आएंगे, तो अगर आपको किसी गेस्ट को ठहराना है तो आराम से यहाँ पर ठहरा सकते हैं। वेंटिलेशन इस रूम में देख सकते हैं, ये खिड़की खुलती है बाहर की तरफ, आपको व्यू मिलता है सामने की गैलरी यानी गली का। ये है पहला रूम, एक तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा रूम है क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस इसका बाहर भी खुलता है। हॉल के अंदर आते हैं हम, दो रास्ते हैं हॉल के अंदर आने का, इस रूम के थ्रू और मेन डोर के थ्रू। तो बड़ा ही भयंकर बड़ा हॉल है ये। इस हॉल की खास बात यह है कि इसका एरिया, बीच में जो एरिया दिया गया है आपके लिए, बहुत ही शानदार दिया गया है। अपने हिसाब से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही अपने सामान को रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डाइनिंग सेट बहुत ही खूबसूरत बनेगा दोस्तों, गेस्ट के बैठने के लिए बहुत ही खूबसूरत बनेगा दोस्तों। हॉल के बगल में मिलता है आपको ये किचन। किचन बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। रेट मैंने शुरुआत में लिखा ही था आपको, और आप लोग मेरे कॉल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या मस्त घर है, ये पूरी जानकारी दूंगा मैं। ये देखिए किचन यहां पे मिलती है हॉल के बगल में, और यहाँ पे आपका हॉल जो है कई काम के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे छोटा मोटा फंक्शन भी कर सकते हैं आप। अगर आप एक फैमिली मैन हैं, आपकी ठीक ठाक फैमिली है, तो ये बीच का एरिया आप हमेशा एक अपने लाइवलीहुड यानी बिल्कुल जिंदा दिल रख सकते हैं आप इसको, एरिया को एक साथ बैठ के आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये है कॉमन वॉशरूम अगेन, यानी कि हॉल के लिए और एक गेस्ट के लिए जो कॉमन रूम में रह सकता है उसके लिए ये वॉशरूम बहुत ही काम करेगा अच्छा। और यहाँ पे इन्होंने अलमीरा रख रखी है, आप अपने हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हैं रूम को। सामने दो रूम है, एक रूम यहाँ पे चलते हैं, तो एक रूम वहाँ पे हो गया था जो एक तरीके से बाहर से भी एक्सेस देता था, एक रूम ये है। ये बेडरूम है यहाँ का, आप बोल सकते हैं ये मास्टर बेडरूम इस जगह का। यहाँ पे एक एक्सेस दिया गया, ये देखिए अलमीरा को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें एक शेल्फ वाला शटर वाला डोर भी दे सकते हैं। इस दरवाजे को खोलो तो ये एक वेंटिलेशन तो देता ही है। देखिए मेन दरवाज़ा ये है इस रूम का, और ये है छोटा दरवाज़ा, ये वेंटिलेशन तो देता ही है, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ पैसेज। ये एक दूसरा गेट दूसरे रूम का है, तो यानी कि दोनों रूम की कनेक्टिविटी अंदर से है। इसका फ़ायदा क्या होगा देखेंगे अभी। देखिए दोनों रूम की कनेक्टिविटी अंदर से है, बाहर से आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि हॉल की तरफ से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन दोनों रूम को कनेक्ट करना चाहते हैं, घर में कोई फंक्शन है, लेडीज़ को ये रूम देना चाहते हैं, तो बहुत ही प्राइवेसी हो जाएगी, लेडीज़ ये रूम यूज़ कर सकती हैं। अंदर से अंदर ये लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं आपस में, बाहर हॉल में आने की ज़रूरत ही नहीं। छोटे मोटे फंक्शन को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से बनाया गया है। ये है वो दूसरा रूम, यहाँ पे भी आपको देखिए ऊपर भी रखने की जगह मिलती है सामान को, जिसको छज्जा बोलते हैं। और यहाँ पे कॉमन वॉशरूम इस रूम में मिलता है, यानी कि इस रूम का प्राइवेट वॉशरूम मिलता है। दूसरे रूम को अंदर से चाहे तो आकर के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको जैसा बोल रहा था कि अगर कोई फंक्शन होता है लेडीज़ को ये रूम देते हैं, या अगर दो रूम वाले आपस में वॉशरूम शेयर करना चाहते हैं, तो ये वॉशरूम बहुत अच्छा हो जाएगा। इस रूम के लिए प्राइवेट है ये, हॉल के लिए एक कॉमन वॉशरूम तो था ही। तो मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूँ, ध्यान से ज़मीन खरीदिए, और नापजोक के थ्रू ज़मीन खरीदने पर आपको मिलता है श्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, उसमें आपको पता लगेगा कि कहाँ पर ज़मीन लेनी चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम चलते हैं सीढ़ी से ऊपर। सीढ़ी से ऊपर जाने पे हम पहुंचते हैं ये छत पे। छत बहुत ही बड़ी है, एरिया मैंने आपको बताया ये शुरुआत में लगभग 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर है। तो ये 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर का एरिया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने, यानी कि छत जो आप मैसिव छत है। आसपास देखेंगे तो माहौल देखिए पूरा रिहायशी कॉलोनी में ये है, आपके लिए प्राइवेट गली है एक तरीके से। केवल 5 घर है यहाँ पे, यानी कि 5 घर की एक गली, आप लोग छोटा सा एक सोसाइटी बन गया है 5 घर का। आपको बाहर की तरफ देखने की जरूरत नहीं, बहुत सेफ तरीके से इसी में रह सकते हैं आप। तो आपके पीछे आपको मैंने आपको व्यू, आगे का व्यू दिखा दिया, ये है घर के पीछे का व्यू। अच्छी बात यह है कि 5 ही घर का ये जगह है,
आप लोग आपस में मैनेज करके रख सकते हैं। मेन रोड से थोड़ा हट गया तो कभी भी आपके बच्चों को ये डर नहीं रहेगा कि वो रोड पे चले गए हैं। और ये मेन रोड से कितना नज़दीक है आपको अभी मैं दिखाऊंगा दोस्तों, पक्का देखिएगा क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। ये है कहाँ पे आपको तो पता ही है, शुरुआत में मैंने जो बता दिया था सिंघड़िया में ये घर है, सिंघड़िया में तो ज़मीन का दाम ही इतना है। दूसरी बड़ी चीज़ इसके नीचे ये बेसमेंट है, जी हाँ, कहीं नहीं दिखता है ये कंसेप्ट गोरखपुर और यूपी में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मानना पड़ेगा बेसमेंट बना दिया है। बहुत सारे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं आपको, बिल्कुल अगर कोई आपके घर में फंक्शन पड़ता है तो बहुत ही बड़ी आपको रिलीफ हो जाएगी क्योंकि पूरा एरिया आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बेसमेंट कितना बड़ा है, ऑफिस ही ऑफिशियल यूज़ के लिए अगर आपको किराए पे देना है तो आराम से दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सिंघड़िया एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए यूज़ आता ही रहता है। तो अब हम चलते हैं, दो चीज़ें आपने देखी यहाँ पे, बेसमेंट का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा दिया है। वैसे ये कंसेप्ट गोरखपुर में बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, और इवन यूपी में बहुत कम देखने को मिलेगा, इंडिया में ही कम है तो यूपी में कैसे रहेगा। हम लोग जाते हैं, ये इनकी गली है, यानी कि ये इनके घर के आगे का एरिया है। यहाँ पर हम देखेंगे ये इस घर की जो रोड है, इस इलाके की कॉलोनी की रोड ये है। मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए मेन रोड कितनी नज़दीक है। देखिए यहाँ पे मैंने रोका, वहाँ से बाइक गई आपके सामने। मेन रोड का देखिए मैंने एरो भी लगा दिया, यही है मेन रोड, यानी कि ये रोड एक तरफ नंदानगर जाएगी, दूसरी तरफ सिंघड़िया चौराहे से होते हुए आ रही है। यानी कि इसका एक्सेस देख रहे हैं इस घर का, आप एक तरफ से नंदानगर यानी कि जा सकते हैं, दूसरा आप जा सकते हैं सिंघड़िया चौराहे से। यहाँ से मैं सिंघड़िया चौराहे से आ रहा हूँ, मैं मेरे पीछे की तरफ पड़ेगा सिंघड़िया चौराहा। मैं यहाँ से आपको आगे की तरफ जाके दिखा रहा हूँ कि ये घर कहाँ पड़ता है। यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे, 40 फीट की चौड़ी सड़क जो आप बन भी रही है, बहुत ही अच्छी बात है। आपको कुछ दिखाने बोलने की ज़रूरत नहीं, खुद आपको वीडियो में दिख रहा है। यहाँ से हम लोग राइट लेते हैं, सिंघड़िया चौराहे से सीधे आएंगे, रोड डेड एंड आ जाता है, राइट और लेफ्ट की तरफ जाता है। हम लोग लेंगे, सॉरी लेफ्ट, मैंने राइट बोला गलती से, लेफ्ट लेंगे हम लोग, लेफ्ट लेंगे तो ये आपकी ये जो रोड है इस पर हम लोग चलेंगे। यानी सिंघड़िया चौराहे से अगर हम लोग अंदर आएंगे, रोड जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ से लेना है बाएँ। अब हम बाएं चलते हैं, यहाँ पे सीधे चलते रहेंगे, एक तरफ आपके रेलवे ट्रैक चल रहा है राइट साइड में, इस ये जो दीवार है वो रेलवे ट्रैक के इस पार, उस रेलवे ट्रैक है यहाँ पे, और यहाँ पे ये चल रहा है। और हम यहाँ जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा स्लो करता हूँ मैं थोड़ी देर में, तो आपको दिखेगा हम घर के लिए आ गए। मैंने स्लो किया, थोड़ी देर में लेफ्ट मुड़ता है, वो घर के लिए मुड़ता है। जहाँ से मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो से दिखा रहा था वो यही जगह है जो बाइक पास कर रही थी, ये है वो जगह। तो दोस्तों कितना सही लोकेशन पर है, ये रेट देख लिया आपने, सब कुछ देख लिया। अब क्या चाहिए दोस्तों, मुझे कॉल करिए और अभी बुक करिए। धन्यवाद।